ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका फरीदाबाद टाइम्स में। तो चलिए रुक करते हैं फरीदाबाद की कुछ और खबरों की ओर। बदलते समय के अनुसार दिन प्रतिदिन लोगों के संबंधों में भी बदलाव आ रहा है। आए दिन एक दूसरे के साथ टकरार की खबरें भी सुनने को मिलती है। कच्चे धागों से जुड़े रिश्ते भी अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों की जिंदगी में खटास भर चुकी है। इसी खटास को फिर से मिठास में बदलने के लिए फरीदाबाद की ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय शाखा ने एक सार्थक कदम उठाया है। ब्रह्म कुमारी के अनुयायियों ने NIT में विश्व सद्भावना दौड़ का आयोजन किया, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हरी झंडी दिखाई। दौड़ में शहर के हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और हाथों में जलती हुई मशाल लेकर सद्भावना बनाए रखने का संदेश दिया। दौड़ से पूर्व ब्रह्म कुमारीज द्वारा तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें आधुनिक युग की भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण लोगों में बढ़ रहे मानसिक तनाव से मुक्त रहने के उपाय बताए गए। ये जो मैराथन दौड़ है, इसका जो नाम है विश्व सद्भावना दौड़, ये इस पर्पज़ को लेकर ऑर्गेनाइज की गई है कि आज जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, आपसी संबंधों में टकराव आ चुका है जातिवाद के नाम पर, सांप्रदायिक बातों के नाम पर, तो ये समय आ चुका है कि हमें ये सब बातों को भुलाकर सबको इकट्ठा एकजुट होकर हम सभी को विश्व शांति और एकता के लिए इकट्ठा होना होगा। तो इसी पर्पज़ को लेकर के हमने मैराथन दौड़ ऑर्गेनाइज की है।